सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। चलिए अब आपको किताब वगैरह दिखा देते हैं जो किताब बहुत उपयोगी हो सकती है। तो देखिए इसमें एलोबरेट किया गया है पैतृकता साहित्य भवन की एक किताब है। पैतृकता साहित्य आप लोग जानते हैं ना, यहाँ से आप लोगों को समान अध्ययन 2021 तक का है, 22वीं अपडेट किया जा रहा है। जीएस का फर्स्ट पेपर जो है उसमें डिस्क्रिप्शन किया गया, डिस्क्रिप्टिव किया गया है, तो इसमें से आप पढ़ सकते हैं। जिसका डिस्क्रिप्शन जो है बहुत परफेक्ट है, अच्छा है, मैंने इसको पढ़ा भी है, देखा भी है, इसलिए अगर आप लोगों को देखना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, आप लोग अभी पीए का पूछ रहे थे किताब, तो बीएल फाड़िया की किताब जो मैंने बताया ना, पीए भी मैंने पढ़ा था, बीएल फाड़िया की दोनों इंग्लिश और हिंदी, देखिए एक जो है कुलदीप फाड़िया का, ये दोनों देख रहे हैं ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों है। एक भारतीय प्रशासन या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि संविधान भी पढ़ना हो तो बीएल फाड़िया आप तो जानते हैं फाड़िया का नाम, ये किताब जो है बहुत उपयोगी है ऑप्शनल पेपर के लिए भी और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली जो पॉलिटी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। उसी तरीके से जैसे मेंस में अगर देते हैं तो ये किताब भी हमने मैं जब ग्रेजुएशन में था तो मैंने पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें यूएनओ सहित बाकी जितने संगठन हैं वो सभी के सभी एक पतली सी बुक में जो है समाहित है। ये किताब मैंने जब ग्रेजुएशन में था तभी मैंने पढ़ा था। उसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में है, यानी दोनों ही किताब जो है आप ले सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं हिंदी मीडियम वाले हैं, तो ये किताब जो है आप ले सकते हैं। उसी तरीके से देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो लोग पॉलिटिकल साइंस आप रखना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ना है, तो बीएल फाड़िया किताब जो है परफेक्टली, चूंकि यूपीएससी सिलेबस को इसमें कवर किया गया है। उसी तरीके से मैं जनरली फाड़िया साहब की किताब ही बता रहा हूँ, उसके बाद जनरली इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये किताबें जो है इंग्लिश में है, उसको आप इसे कर सकते हैं। उसी तरीके से लोक प्रशासन का पहला स्टार्टिंग किताब यहीं से होता है, ये किताब मेरे पास अभी भी है मेरी लाइब्रेरी में। ये आपको भारत में लोक प्रशासन की शुरुआत बीएल फाड़िया से करनी है तो यहीं से आपको करना पड़ेगा। उसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया जो है वो दिया गया है इंग्लिश में। मैंने आपको पहले ही बताया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है बीएल फाड़िया किताब है, लोक प्रशासन यानी कि ये जो है किताब स्टार्टिंग का जो पहला फर्स्ट पेपर का ये है, अगर पीए का कोई रखते हैं तो फर्स्ट पेपर जो है आपको यही किताब आपको सबसे पहले पढ़ना होगा। ये किताब भी मेरे लाइब्रेरी में आज भी है, इंग्लिश में पढ़ना है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन तो आप इसको पढ़ें, क्योंकि जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ना है और कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है, उसके हिसाब से ये दोनों बुक्स उपयोगी है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको मैंने ये किताबें बताई है जो कि पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी जीएस के लिए उपयोगी किताबें हैं। यहाँ से आप किताबें जो है, बहुत सारी किताबें हैं जिसमें से जो महत्वपूर्ण किताब था वो मैंने आपको बताया है, ये किताब जो है आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है।